अस्सलाम वालेकुम। पूछेंगे नहीं कहाँ से आ रही हूँ। तुम बताना चाहती और बताना होता तो जाने से पहले बताती। मैं बताना चाहती हूँ ताकि आपको किसी दूसरे से कोई उल्टी सीधी बात ना पता चले। इसलिए मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? आप खफा तो नहीं होंगे? अगर ऐसी बात है तो मत बताओ। अगर नहीं बताऊंगी तो आप सोचते रहेंगे कि न जाने क्या बात। हाँ, सोचूंगा तो सही, सोचूंगा तो सही। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार रहे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप एक समझदार इंसान है। उमर रसीदा कहना चाह रही हूँ शायद। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊं वो सुनकर आप जज्बाती ना हो। और मुझे कोई अच्छा मशवरा दे। मोहब्बत करती हो किसी से? और जमशेद नाम है उसका। मैं नहीं, वो मोहब्बत करता है मुझसे। मेरे अंदर तो मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन अम्मा इस दुनिया से चली गई थी। शादी करना चाहता था वो मुझसे। और तुम? मेरे लिए पहला रिश्ता आपका आया था। अब्बा ने बहुत तारीफें की थी और ठीक ही की थी। आप एक अच्छे इंसान हैं, बड़ा घर है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब्बा ने कहा था ऐश करोगी तुम, सच्ची कहा था। लड़की को इसके अलावा और चाहिए भी क्या? मैंने हाँ कर दी थी आपके लिए। उसके बाद जमशेद ने बहुत कोशिश की उससे राब्ता करने की, मुझसे बात करने की, मगर मैंने हमेशा उसकी हौसला शिकनी की। आज उसका एक्सीडेंट हो गया।
मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर उसकी बहन बानू ने बहुत मजबूर किया तो तब कैसे हो? पता नहीं, बच गया है शायद, बानू ने यही बताया। मैं नहीं मिली उससे। मिल लेती, वो कोई उम्मीद बांध लेता। वो तो अभी भी बांध देगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उससे मिलने आए थे। अगर दोबारा कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी। आप खफा है मुझसे? आज से 20 साल पहले अगर शमसा ने यह बात मुझसे की होती तो ना जाने क्या करता मैं। जान से मार देता दोनों को। मगर मैंने तो आप अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तुमने खुद बता दिया मुझे। वाकई अगर कोई और बताता तो शायद ना अच्छा लगता। दुख होता मुझे। जाके आराम करो। जल्दी में कुछ गलत तो नहीं हो गया मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं इर्षा भी उसे पसंद करती हो? अगर उसने तो कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। यह भी तो हो सकता है कि इर्षा ने आधा सच बोला हो। पास भी सांसे क्यों है पराई, पास भी तेरे हो फिर भी है जुदाई, तेरे लिए मेरी सांसे क्यों है पराई। खाली खाली देना खोया खोया चेना, टुकड़ा कैसी तबीयत है अब आपकी? कैसा फील कर रहे हैं अब आप? काफी बेहतर।
आप टेंशन नहीं लें, ये पहले से बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? बेहतर। उसे तो नहीं बताया? बताया था, वो आई भी थी। क्या भाई? आराम से। वो आई थी? अब कहाँ है? जब तक आपको होश नहीं आया वो यहीं थी, उसके बाद चली गई। मुझसे मिली क्यों नहीं? पता नहीं, कुछ कहा नहीं उसने? कह रही थी क्या? यही के मोहब्बत नहीं करती आपसे। और क्या कहा सर? उसे भूल जाए भाई। ये भी उसी ने कहा? नहीं, ये मैं कह रही हूं। फिर तो नहीं मानूंगा। अगर वो कहती तो फिर मान भी जाता। इसको सेफ गार्ड के थे। जब तुम मौत से जंग लड़ रहे थे, तुम्हारे लिए दूसरों से एक खून की बोतल मांग रही थी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि तुमको यहां पे रहने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं दूसरे देश चल जाऊंगा। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा मैं तुम्हें इसे देख नहीं पाऊंगी। ले जाओ मेरे बच्चे, हमारी जान से बढ़कर मुझे कोई चीज अजीज नहीं। चले जाओ। चले जाओ। इसको जाने
अब्बा इस वक्त यहाँ? अरे आरिफ साहब, वहां क्यों खड़े हैं आप? इधर आइए, आइए आइए, अंदर आइए आइए, वहां बैठते हैं। आ जाएं, आइए तशरीफ रखें। कम ऑन बैठिए। बताइए मुझे क्या कहना चाह रहे थे आप? वो आपने मुझे नौकरी करने से क्यों रोक दिया है साहब? खुद बताइए मुझे कि मुझे कैसे अच्छा लगेगा आपसे रिश्तेदारी है मेरी। मेरे रिश्तेदार होते हुए आप मेरे ड्राइवर बन के रहे, अच्छी बात नहीं है। आरिफ साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंपनी की एक पॉलिसी है, पेंशन मिलती रहेगी आपको, अच्छे तरीके से आपका गुजर बसर हो जाएगा। और अगर आपको मजीद किसी भी चीज की जरूरत हो, आप बिना झिझक मुझे कह सकते हैं, मैं हूं आपके पास। बहुत शुक्रिया साहब जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही साहब जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने तो मुझे खरीद लिया है सर। मेरे इसकी जरूरत नहीं है। नाश्ता किया आपने? जी 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 साहब जी जी। अच्छा, मैं अरसा को बुला के लाता। नहीं 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 साहब, उसे अभी ना बुलाइएगा, आज तो मैं साहब ड्राइवर की हैसियत से आया हूं, किसी दिन बाप की हैसियत से आऊंगा ना साहब जी, फिर मिलूंगा उससे, आज नहीं साहब। चलें, जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे साहब। मैं चला जाऊंगा। सारे आई आई अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। नाश्ता लग गया? जी। अब आ जाए, नाश्ता लग गया? नहीं, मैं नाश्ता नहीं कर रहा। क्यों? बस ऐसे। आप खफा हैं मुझसे? नहीं तो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो कल वाली बात का शायद आप बुरा मान गए। फिलहाल तो बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर कभी गलती से तुमसे मोहब्बत हो गई तो जरूर बुरा लगेगा। याद ही नहीं रहा मुझे, ये रख लो। ये क्यों? तुम्हारी पॉकेट मनी है 1,00,000 रुपए, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी बनवा दिया मैंने। आज फर्स्ट है, तुम्हारी पॉकेट मनी है, हर महीने तुम्हें मिल जाया करेगी। मगर अगर और चाहिए तो बता देना। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल आपने मुझे शॉपिंग करवाई थी और पैसे भी है मेरे पास, इनका क्या करूंगी मैं? खर्च करो, जहां मर्जी खर्च करो, कोई पूछेगा भी नहीं।
अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। By the way, ड्राइवर और गाड़ी घर पे है, तुम्हें जहां भी जाना है जब भी जाना है तुम जा सकती हो। मैं कहां जाऊंगी? कहीं भी, जहां जाने के लिए तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े। By the way, तुम अपना मास्टर्स कंप्लीट कर, यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? चलो शाम में मुलाकात होती है। ध्यान से बेटा, आराम से, आराम से। अच्छा, आराम से। बिठा दो इसको बेटा। नहीं अम्मी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेट जा यार। नहीं यार, जब दिन चाहेगा तो लेट जाऊंगा। अरे बेटा सही कह रहा है, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। अम्मी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो बता देना। थैंक यू यार, शुक्रिया, बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया अम्मी, क्यों जिद कर रही हैं? जब दिल चाहेगा लेट जाऊंगा। आप इधर आइए, बैठिए। पता है मैं यहाँ लेटने के लिए क्यों मना कर रहा था? क्यों? एक मिनट। क्या? एक मिनट ना, एक मिनट। आए ध्यान से बच्चे। वो इसलिए कि मैं तकिए पे सर रख के नहीं लेटना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं आपकी गोद में सर रख के लेटूं। अम्मी उस दिन वो जिस शॉप के लिए मैं गया था ना, उन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद बुलाया था। इंशाल्लाह दुबई या सऊदीया में से कहीं मेरी जॉब लग जाएगी और मैं खूब दिल लगा के मेहनत करूंगा। आपको भी सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी, देखेगा। और फानो की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे, क्यों बानो? और नौशीन को आपने जो चीजें नहीं दी थी ना शादी में, वो भी दे दीजिएगा। क्या खाओगे बेटा? कुछ नहीं, बस आप मेरे पास यूं ही बैठे रहे। हाय हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज है ना। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम हमसे मिलने आई हो। सिर्फ मिलने नहीं, फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए आई। रियली?
हाँ मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ, फिर बात करती हूँ। ओके बाय बाय। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना तो बस एक बहाना है। वो हमें बताना चाहती है कि जो वो हासिल करना चाहती थी उसने कर लिया। वो ऐसी नहीं है। सबा ठीक कह रही है। एक दिन जो हम उस पे हंसे थे ना, अब वो हम पे रोजाना हंसेगी। मोहब्बत करता है मुझसे, शादी करना चाहता था वो मुझसे। आज उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर उसकी बहन बानू ने बहुत मजबूर किया तो अच्छा सुनो सुनो, कोई काम की बात हो तो कॉल करना मुझे, बिला वजह जरूरत नहीं है, ठीक है? जो रूल होते हैं वैसे चलेंगे ना यार। एक एक थोड़ी ना होता है। एक एक यार। सब एक एक आया। दो और एक मर गई है, किसकी है? आइजल क्या बात है यार, तुम्हारे पापा ने वहां दूसरी शादी कर ली है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आई मीन अच्छा खासा वो वहां एंजॉय कर रहे होंगे, और तुम यहाँ मुंह बना के क्यों बैठी हो यार, हमारा भी मूड ऑफ कर रही हो। देखो अशर, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के तुम्हारे सर पे मार दूँ, फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। नहीं वैसे तुम्हें क्या लगता है उन्होंने शादी करके गलत किया है? आई मीन सबका हक है। तो फिर तुम अपनी अम्मा की शादी क्यों नहीं करा लेते? तुम्हारे अब्बा को भी तो गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं। देखो आइजल, मैंने सिर्फ एक बात की थी। बात की थी? और तुम दोनों, तुम लोगों ने भी अगर कुछ कहना है दूसरी शादी के हवाले से तो अभी बोलो। हमारा दिमाग खराब थोड़ी ना हो कि हम गेम खेल सकते। इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। छोड़ो ना यार, टेंस है वो। वैसे तूने अच्छा नहीं किया था उस दिन।
तेरी वजह से नौकरी भी गई, जूते भी पड़े और बेइज्जती अलग हुई। अच्छा और तूने क्या किया था बताऊं भी? अच्छा अच्छा रहने दे, वैसे तू ये सारी गलती ना करती ना तो आज मिल बैठकर खा रहे होते। हाँ तो तूने दोनों तरफ काट रहा था, उधर से भी मार रहा था, मेरे पैसे भी चोरी कर रहा था। तू अपने दिल से बता, इतनी महंगाई में 15-20 हजार रुपए ऊपर की दिहाड़ी लगाना आसान काम है? अच्छा बस कर, चाय पी, बातें कर रहा है। हाँ, नहीं, नहीं, के सारी गलती दे रही है। अरे मेरी कोई गलती नहीं, तूने मेरे पैसे क्यों चुराए? पैसे तेरे नहीं, पैसे साहब के थे। तू होती कौन है पैसे चुराने वाली अकेले अकेले? अच्छा चल बस बकवास बंद कर, और लड़ने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मैं लड़ खा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर हम मिल बांट के खाते तो आज ये सारा काम चलता रहता। And what about the amount? सर कैश जनरेशन इस वक्त 45 मिलियन है और हमारा 60% जो है प्रोजेक्ट सेल हो चुका है, 40% बैलेंस है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके ऊपर हमारी सेल्स की टीम काम कर रही है और कैश फ्लो भी जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? जितने भी हमने जो प्रोजेक्ट्स रखे थे वो सेल आउट। सॉरी यार, एक्सक्यूज मी। तो अजम साहब। जी पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? बीवी कहाँ है तुम्हारी? पप्पू वो यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी क्या लेने गई है? यूनिवर्सिटी क्या करने जाते हैं पप्पू, पढ़ने जाते हैं ना। इसलिए शादी की थी तुमने? अरे अगर पढ़ाना ही था तो 2-4 बच्चे गोद ले लेते। वो मैं मीटिंग में हूँ, मुझे बताएं हुआ क्या है। फौरन घर आओ और अपनी बीवी से भी कहो वो घर आए। हुआ क्या है प्लीज बताएंगी आप मुझे? तुम आओगे तो ही बताऊंगी, और अगर फौरन नहीं आए तो समझ लो कुछ ना कुछ तबाह हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई एम सॉरी यार, अर्जेंसी है, आई हैव टू गो। तुम लोग कंटिन्यू करो, मुझे ईमेल कर देना सर। ऑलराइट सर। ठीक है, राइट सर, राइट सर। ये तुम्हारा और ये शिजा का। अच्छा है, थैंक्स यार। बस इसकी क्या जरूरत थी? गिफ्ट है, रख लो। लेकिन नहीं सर, वो सच कह रही है, हम तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकते। अगर तुम लोगों ने मुझसे गिफ्ट नहीं लेना तो मैं नाराज हो जाऊँ। अब क्या करें? ऐसा करो ले लो, वरना खफा हो जाएगी सच। हाँ आप, एक जरूरी कॉल है, मैं अभी आती हूँ। क्या मसला है, क्यों कॉल करते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉल की है? कॉल क्यों की है? शुक्रिया अदा करने के लिए। किस बात के लिए? तुम अस्पताल जो आई थी, मिली नहीं, कम से कम आई तो सही। सोच रहा था कि तुम्हें बुलाने का अच्छा तरीका मिल गया। अगली दफा नहीं आऊंगी। अगली बार मैं बचूंगा भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने होती तो मैं तुम्हें कह देता कि झूठ बोल रही हो। क्यों? सच कह रहा हूं ना मैं? जमशेद मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो गई, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझती थी जब मैं तुम्हें समझाता था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कमाल तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे, और मेरी हर जरूरत का ख्याल भी रखते हैं, खाना खिलाने भी लेके जाते हैं, शॉपिंग भी करवाते हैं, और आज पता है 1,00,000 रुपए भी दिए खर्च करने, हर महीने देंगे। बस तुमने कभी देखे हैं ख्वाब में 1,00,000 रुपए? नहीं, मगर ख्वाबों में तुमसे बहुत मोहब्बत की है।
तुम्हें बहुत चाहा है, तुम्हारी हुस्न की तारीफ की है, अपने हाथों में तुम्हारे हाथ को थाम कर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, चांद की रोशनी में तुमसे प्यार भरी बातें की हैं। क्या कभी कमाल साहब ने तुमसे ऐसी बातें की हैं? नहीं, नहीं की होंगी, ना ही कभी कर सकते हैं वो। पता है, ये वक्त आएगा क्या तुम कमाल साहब से कहोगी कि मुझे महीने के पैसे ना दें, मेरे साथ कुछ लम्हे छत पर बैठकर चांद की रोशनी में दो प्यार भरी बातें कर लें। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे, और फोन बंद कर रही हूँ मैं। और खबरदार जो आज के बाद मुझे तुमने फोन किया।